हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के बारे में, ठीक है, जो कि 10 जनवरी से आपकी एग्जाम होने वाली है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, और जो पिछले बार छट गए किसी भी कारण से, ठीक है, चाहे वो उनका रिटर्न ना निकला हो या फिर फिजिकल ना निकला हो या फिर मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो गए हों, ठीक है ना, तो उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हम बताने वाले हैं आपको कि बिना तैयारी, ठीक है ना, अगर आपका तैयारी बेहतर ढंग से ना है तो आप कैसे जो है वो क्वालिफाई करोगे एग्जाम को, ठीक है ना। बहुत ही एक निंजा टेक्निक, ठीक है ना, जो इसको जिसको बोला जा सकता है निंजा टेक्निक, जो है वो हम आप इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं, ठीक है। मान लो कि आपके पास में जो है वो थोड़ा बहुत तैयारी है, ठीक है, जो पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत तैयारी होगा, बट वो डिमोटिवेट हो गए होंगे किसी भी कारणवश, अगर उनका सिलेक्शन ना हुआ हो तो थोड़ा उनको लगता होगा डिमोटिवेट, ठीक है ना, तो उस कारण से वो पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे या फिर किसी को पढ़ने में नहीं मन लग रहा होगा, ठीक है। तो एक बार में, ठीक है ना, एक बार में जो है वो आप एसएससी जीडी को कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। देखो मान लो कि एसएससी जीडी में कितना क्वेश्चन आने वाला है, 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना, जिसमें 20 ऊपर रहेगा किसमें, 20 रहेगा मैथ का क्वेश्चन, ठीक है, 20 है किसका क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन। देखो आपको कितना अटैम्प्ट करना है, ठीक है ना, और कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और कौन सब्जेक्ट में कितना करना है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, ये सारा चीज़ हम बताएंगे। 20 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी का या फिर आपका रहेगा किसका, 20 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी या फिर इंग्लिश, और 20 क्वेश्चन रहेगा फिर आपका जीके और जीएस का रहेगा, ठीक है ना, जीके एंड जीएस, ठीक है, ये दोनों का रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका 80 क्वेश्चन हो जाएगा, टोटल कितना मार्क्स रहेगा, 160 मार्क्स रहेगा, ठीक है। अब देखो ये 80 क्वेश्चन में आपका 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है ना, 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही एकदम ईजी होंगे, ठीक है ना, 45 क्वेश्चन तो सब बना देंगे, जो जिनका अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे तो वो 45 क्वेश्चन बना देंगे। और इसके बाद 25 क्वेश्चन आपका हो गया वो मिडिल होगा, ठीक है ना, मिडिल यानी कि मॉडरेट, ठीक है ना, मिडिल होगा 25 क्वेश्चन, और बाकी का जो 15 क्वेश्चन बच गया, ठीक है ना, ये जो बाकी बचा हुआ 15 क्वेश्चन ये आपका एकदम हार्ड रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल ये हार्ड रहेगा क्वेश्चन, और ये 15% वही आदमी जो होता है वही बना सकते हैं इसको, जो सोचते हैं कि अपने आप को होशियार समझते हैं, ठीक है ना, ये बर्बाद करने वाला है, ठीक है ना, ये जो 15 क्वेश्चन आएगा ये बिल्कुल आपको बर्बाद करने वाला रहेगा। ये 45 और 25 क्वेश्चन, ठीक है ना, जो अगर ईजी वाला 45 क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसमें नंबर आपका कितना मिल जाएगा, 90 नंबर मिल जाएगा इसमें। और जो मिडिल यानी कि जो उसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है ना, ईजी वाला में बस आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना, एकदम शांति दिमाग से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा, 45 क्वेश्चन रहेगा, तो ये 90 नंबर आपको यहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा एकदम 100%। फिर 25 को मिडिल यानी कि थोड़ा बहुत इसमें दिमाग लगाना है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाइए, और ये 25 दो को जो वो मिडिल क्वेश्चन, अगर इसमें से 20 भी क्वेश्चन सोल्व करे तो 20 दूनी कितना, 40, बता दो ये 90 और 40 यानी कि 90 40 कितना हो जाएगा, 130। और मैं वो कितना बोल रहा था कि 120 प्लस जो लेकर जाएगा ना उनका सिलेक्शन जो होगा वो 100% किसी ना किसी पोस्ट में हो जाएगा, ये मैं दावा ठोक के कर रहा हूँ, ठीक है, 120 प्लस में आपका कहीं ना कहीं हो जाएगा, 100 प्लस में भी हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, लेकिन 100 प्लस नहीं टारगेट लेकर चलना, टारगेट क्या आपका रहना चाहिए, 120, ठीक है ना, टारगेट क्या रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए। तो ये 25 मिडिल क्वेश्चन में अगर आप 20 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो 40 नंबर का यानी कि 130 नंबर आपका मिल गया। और ये 15 क्वेश्चन में सिर्फ वही लोग हाथ लगाएंगे जिनको बर्बाद होना है, ठीक है, जिनको बर्बाद होना है ये 15 क्वेश्चन में हाथ लगाना, अगर आपको लगे कि ना ये हार्ड है हमसे नहीं बनेगा, थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ है तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो। अगर 20 को मैथ है तो इसमें पक्का है कि दो को कैलकुलेटिव रहेगा, सिंप्लीफिकेशन वाला बनेगा नहीं, ठीक है ना, जोड़ घटाओ माइनस प्लस और भाग वाला सब एक एक में दे देता है, तो वो वाला तो बनेगा नहीं आपसे मैथ वाला, ठीक है ना, तो बनेगा लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर 20 में से आप अगर 18 क्वेश्चन भी बनाते हो, ठीक है ना, 20 में से अगर आप मैथ में 18 भी करते हो, ठीक है, रीजनिंग में अगर आप 17 भी कर लेते हो तो कितना हो जाएगा, 18 और 17 25 और 10 35। अगर हिंदी में भी अगर आप 20 क्वेश्चन में अगर आप 12 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो आपका कितना हो जाएगा। और जीके में तो कितना भी कमजोर अगर रहो, कि जीके में कितना भी कमजोर रहो तो 5 भी क्वेश्चन कर लो तो कितना हो जाएगा टोटल क्वेश्चन, 8 2 10 10 7 17 और 5 22 की दो हाथ में 2 2 1 3 4 5 यानी कि 52 क्वेश्चन, ठीक है ना, 52 क्वेश्चन कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 104 नंबर का, ठीक है, 104 नंबर का। तो जीके में आप लोग इतना भी कमजोर ना हो कि 5 एक क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है ना, हिंदी में 12 क्वेश्चन हम दिए हैं तो मिनिमम 12 क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपका 104 यानी कि 104 नंबर का गिनल आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये जो 45 क्वेश्चन है आपका बहुत ही ईजी रहेगा, इस पर आप लोग फोकस करो, और ये 25 वाला मिडिल वाला क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है ना, 100 में 100 कभी मत सोचो, जो 100 में 100 करने के लिए सोच रहे हैं ना वही लोग जो है वो निगेटिव मार्किंग लेकर आएंगे और निगेटिव जो है आपको बर्बाद कर देगा पूरा एसएससी जीडी एग्जाम में, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग बहुत ही कम लेना है, जो आपको समझ में आए सिर्फ वही चूज करो, ठीक है। ये 45 क्वेश्चन आपको ईजी आएंगे, इसको सबसे पहले सोल्व कर देना, इसके बाद में जो 25 को मिडिल वाला आएगा मॉडरेट क्वेश्चन
को क्या कर देना उसको भी निपटा देना है। आप थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाइए कम समय में और इसको भी जो है लेकर आ जाइए, ठीक है। 25 में से अगर 20 भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको 20 दूनी 40 और 90 40 कितना 130 नंबर का जो है आपका हो जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, 100% सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कैसे तैयारी करें, अब तो आपका कितना दिन बचा हुआ है, मात्र कितना दिन, अब महज 35 दिन बचा हुआ है, ठीक है ना। 35 दिन में आपको SSC GD जो है वो क्वालिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे, तो बिल्कुल यही स्ट्रेटेजी लगाओ, जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसको सीधे छोड़ दो, ठीक है। जैसे मैथ में कोई टॉपिक ना समझ में आ रहा है, जैसे एवरेज नहीं समझ में आ रहा है, प्रॉफिट लॉस ना समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़ दो, साइड रख दो, बाकी जो समझ में आ रहा है उसको पूरा क्लियर कर लो कि हाँ मैं ये जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो बना सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे को कहोगे तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है ना, ये तीन सब्जेक्ट, अगर इसको GK GS को छोड़ भी दें, GK GS को छोड़ भी दें, तो ये तीन सब्जेक्ट में हम इतना नंबर लेकर आ सकते हैं कि हमारा कोई ना कोई पोस्ट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है ना, नंबर बम्फर लेकर आ जाएंगे ये तीनों सब्जेक्ट में, ठीक है ना। अगर GK GS में हाथ भी ना लगाएं तो, ठीक है। तो हर किसी स्टूडेंट्स का होता है कोई ना कोई कमजोरी होता है, अगर वो तेज रहता है तो SSC GD में नहीं आता, ठीक है ना। तो किसी न किसी का कमजोरी रहता है पढ़ने में, अगर किसी का मैथ ठीक है, रीजनिंग ठीक है, हिंदी ठीक है, तो GK कमजोर रहेगा, GK हिंदी ठीक है तो मैथ वाला कमजोर रहेगा, ठीक है। तो जो आपका कमजोर है ना, वो सब्जेक्ट को बिल्कुल अगर हाथ भी नहीं लगाओगे, और जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसमें अगर आप 100% देते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। जैसे मेरा 2021 में हमने क्या किया था कि मैथ में मेरा 25, उस टाइम कितना का होता था, 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 हिंदी और 25 GK, ठीक है ना। तो 25 में हमारा मैथ में, ठीक है ना, 25 मैथ में आया था हमारा 24, और GK में, सॉरी 25 में 25 आ गया था, और GK में हम बात करें तो GK में 4 और 25 में ये 16 या 17 नंबर आया था हिंदी में, ठीक है ना। इस तरह से हम GK में, मतलब कि समझो कि जो हमको आया था ना वही हम सिर्फ बनाए थे, ठीक है ना, जो नहीं आया था उसको हम निगेटिव मार्किंग लिए भी नहीं थे। तो बस हमारा मैथ और रीजनिंग और ये हिंदी जो था वो थोड़ा बहुत सही था, तो मैथ और रीजनिंग और हिंदी के बल पर जो है हमने 73 जो है वो स्कोर किया था, 73+73 कुछ समथिंग था, ठीक है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, जो आपका वीक सब्जेक्ट है, जो समझ में नहीं आता है, तो उसको थोड़ा स्किप ही कर दो, ठीक है ना, उस पर टाइम देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब 35 दिन बचा हुआ है, ठीक है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर क्या करो, उस पर पूरा फोकस करो, 100% उस पर लगाओ, आपका सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है ना, अगर आप 3 सब्जेक्ट में भी आप अच्छा है, एक सब्जेक्ट को अगर हाथ भी नहीं लगाओगे तो आपका उतना नंबर आ जाएगा जितना कि आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको हम SSC GD का स्पेशल नोट्स, अपना हैंड रिटन नोट्स, जो कि हम SSC GD का हैंड रिटन नोट्स 2023 का जो एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, इसका हम अपना खुद हैंड रिटन नोट्स जो है वो आपको हम दे रहे हैं कितना में, ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है ना, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं कितना में, 199 रुपया में हम ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दे रहे हैं। तो अभी 30 से 35 दिन आपके पास में समय है, तो अभी भी कुछ कर लेना है। अगर आपको इस बार जॉब लेना है, ठीक है ना, सिलेक्शन लेना है, तो आप इसको परचेज कर लो, कुछ भी मत देखो, अगर 30-35 दिन में आपको करना है तो, ठीक है ना। आप ये मत देखो कि कौन सा बुक से पढ़े, बुक से पढ़ोगे कन्फ्यूज रहोगे, ठीक है, क्योंकि बुक में इतना सारा टॉपिक है और मेरे नोट्स में सिर्फ वही है जो कि SSC GD में पूछा जाता है, ठीक है ना। मैंने इसी नोट्स से पढ़ के 2021 में 73 स्कोर किया था, मैथ में 25 में 24 और रीजनिंग में 25 में 25, ठीक है ना। मैंने कहीं भी कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया था, स्टडी सेल्फ स्टडी से, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी करो, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का कितना में 199 रुपये में हम दे रहे हैं। तो जिनको भी खरीदना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, हम यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी अपना लिखते रहें, ठीक है ना, 8986465047, ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसलिए आप हमको हमसे कॉन्टैक्ट करना, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। गूगल पे के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो गाइस, इस तरह से जो है आप ये वाला स्ट्रेटेजी अपना के आप SSC GD पहली बार में क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक मिलता है। तो गाइस, मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।